गाइस जैसे ही गेम अपडेट होता है साथ ही में ये गरीना वाले बहुत सारे बग्स भी हमारे गेम में डाल देते हैं और साथ ही में लैग इशू को भाई क्या बताऊं यार बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप लैग इशू को खत्म कर सकते हो, क्योंकि भाई गरीना ने तो एकदम नशे कर रखे है कि लैग इशू को बढ़ाया ही जा रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। गरीना ने अपडेट तो दे दिया साथ ही में ये लैग इशू को भी अपडेट कर दिया, यानी कि आप नए नए तरीके के लैग होते हैं, बहुत सारे नए नए तरीके के बग्स सब आ रहे हैं। ये यार क्या कर रहे हैं गरीना वाले, अब मैं क्या बताऊं। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। खैर गाइस मैं आज के वीडियो में जो भी टिप्स आपको बताऊंगा वो सबको फॉलो कर लेना। इसको फॉलो कर लेने के बाद आपका लैग इशू काफी हद तक कम हो जाएगा। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि यार 100% बंद ही हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी कर लो लैग तो होना ही है, लेकिन आज के वीडियो को देख लेने के बाद मैक्सिमम लैग इशू को आप फिक्स कर लोगे, यानी कि लैग कम से कम कर लोगे। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 10K के हम बहुत ज्यादा ही करीब है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हमारे YouTube फैमिली का एक मेंबर बन जाओ। भाई ने बोला करने का तो करने का। Okay. तो गाइस आपको पता ही होगा कि हमारे फोन का जो रैम है, प्रोसेसर है और साथ ही में स्टोरेज है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है लैग। यानी कि जितना अच्छा आपके पास में फोन होगा उतना कम आपको लैग देखने को मिलेगा और जितना खराब फोन होगा उतना ज्यादा लैग देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, मैं तुम्हें ये टीचर की तरह क्यों बोल रहा हूँ? मजा नहीं आ रहा है, कट कर देना प्लीज। खैर गाइस आप लोग अपने फोन का रैम, प्रोसेसर और साथ ही में स्टोरेज को अच्छा रखने के लिए आप बहुत कुछ करते होंगे, जैसे कि आप अपने फोन को क्लीन रखते होंगे, रैम को कम से कम यूज करते होंगे, बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस को नहीं चलने देते होंगे, ये सब आप पहले से ही करते होंगे। तो मैं नया आपको क्या बताऊं कि आपका लैग कम हो जाए। तो गाइस कुछ ऐसा ट्रिक है जो कि आप अभी तक अप्लाई नहीं कर रहे हो अपने रैम को अच्छा करने के लिए, यानी कि आप अपने प्रोसेसर पे ज्यादा लोड ना पड़ पाए ऐसा कुछ करने के लिए। इसलिए गाइस आप गेम खेलने से पहले रिबूट ही नहीं करते हो गेम को, आप सोचते हो कि बस ऐसे गेम खेल लेंगे उससे क्या ही हो जाएगा, रिबूट से कुछ नहीं होता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अगर आप अपने फोन को रिबूट कर लोगे तो काफी चीजें होता है, आपका लैग काफी कम हो जाता है और आपका फोन भी एकदम फ्रेश हो जाता है, जो कि आप करता ही नहीं होता। यार कैसे आपका लैग फिक्स होगा? तो गाइस आपको गेम खेलने से पहले सबसे पहले तो एक बार रिबूट कर ही लेना है, और उसके अलावा कुछ और ट्रिक्स भी है, ये भी आप जान लो पहले। तो गाइस आप लोगों में से मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब को यूज करते हैं, और मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ यार, 100% लोग यूज करते हैं। तो गाइस आपको इसमें करना क्या था कि आपका लैग कम हो जाए, तो गाइस आपको इसके ऐप इन्फॉर्मेशन को ऑन करके आपको सबसे पहले तो इसका क्लियर कैच कर लेना, यानी क्लियर कैच में देखे होंगे कि इसमें 200 MB 300 MB इतना कैच ये ले रखा होता है, इसे स्टोरेज पे बहुत ज्यादा ही कंज्यूम कर रहा होता है, साथ ही में रैम भी ये कंज्यूम कर रहा होता है। तो आपके फोन में जितना भी एप्लीकेशन है सबका क्लियर कैच आपको करते रहना है, और जो आपको आप यूज ही नहीं करते हो ना उसको तो मैं बोल रहा हूँ पूरा क्लियर डाटा करके उसको डिलीट ही कर दो, और फोन से डिलीट नहीं हो रहा तो परमानेंटली उसे डिजेबल ही कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि वो कभी भी आपके फोन का स्टोरेज को ले ही ना पाए। ऐसा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके फोन को अच्छा मिलेगा परफॉर्मेंस और ज्यादा से ज्यादा लैग कम हो जाएगा। और गाइस काफी लोग क्या करते हैं कि अपने फोन में कोई एक फोन क्लीनर को इंस्टॉल कर लेते हैं, और मैं बता रहा हूँ गाइस वो कोई भी क्लीन नहीं करता आपके फोन को, सभी आपके फोन का उल्टा स्टोरेज ही कंज्यूम कर रहा होता है और रैम भी कंज्यूम कर रहा होता है, और गाइस बस दिखा रहा होता है कि आपके फोन को वो क्लीन कर रहा है लेकिन ठीक से वो क्लीन नहीं करता है। तो गाइस आपको करना क्या है, तो आपको खुद से ही क्लीन करना है, आपको उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, उस ऐप को आपको डिलीट कर दो अगर आपने इंस्टॉल किया है तो। और अगर आपके फोन में कोई ऐसा ऐप है जिसको आप बहुत ही कम यूज करते हो या फिर कह लो तो वेस्ट ऐप है, तो उसे जल्दी से अनइंस्टॉल कर दो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तब उसे रखो, वरना उसे अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही रैम और प्रोसेसर पे बहुत ज्यादा लोड दे रहा होता है, तो ये ठीक नहीं है आपके गेमिंग के लिए। हाय गाइस, तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे अनोखे गेमिंग स्किल के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा गेमर हूँ मैं, बट गेमिंग करते करते कैश प्राइज भी जितना मुझे आ गया है, मैं और मेरे जैसे काफी गेमर जीत रहे हैं अप टू 1 करोड़ रुपीज। जी आपने बिल्कुल सही सुना, पता लगाना है कैसे, तो डाउनलोड करो विंजो ऐप। विंजो ऐप पे 100 से भी ज्यादा गेम्स है, जैसे कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टैकी बस, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, फ्रूट स्लाइस। हाँ मैं तो थक गया बताते बताते, बट आप यहाँ के विनिंग से कभी नहीं थकोगे। विंजो पे कोई भी गेम खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, ये 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, साथ ही में यहाँ पे 70 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, और साथ ही में यहाँ पे आप इजी विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि आप जो भी विनिंग की है उसे आप डायरेक्टली आप अपने अकाउंट, वॉलेट या फिर पेटीएम पे सभी जगह पे आप इजी विड्रॉल कर लोगे। और बस कैश प्राइज है नहीं विंजो ऐप पर, हम जैसे खिलाड़ी के लिए तो रोज रोज नई नई ऑफर्स आती रहती है, तो विनिंग के ढेर सारे मौके का फायदा उठा सकते हैं। और बस यही नहीं, विंजो ऐप पर उनके प्रोग्राम से आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, क्योंकि अब उनके गेम में भी तुम्हारी विनिंग है। तो इससे पहले कोई और बाजी मार ले, जल्दी से डाउनलोड करो विंजो ऐप और करोड़ों के प्राइज जीतो। और इसके अलावा अगर जब भी आप गेम खेलते हो तो काफी टाइम ऐसा होता है कि आप आउटडोर में खेल रहे हो या फिर ऐसे जगह पे खेलो जहाँ बहुत ही गर्मी पड़ रही होती है, और अभी तो गर्मी का समय है, तो अभी
एलईडी तो बहुत ज़्यादा ही लैग इशू देखने को मिलता है। तो गैस आपको करना क्या है, तो आपको एक ठंडे प्लेस पे फैन ऑन करके या फिर एसी ऑन करके उस जगह पे खेलना है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ही गलती करते हो कि बाहर में जाके कहीं खेलते हो या फिर गर्म जगह पे जाके खेलते हो, जिससे बहुत ही लैग इशू देखने को मिलता है, आपका फ़ोन गर्म हो जाता है। तो गैस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बाहर में हो तो उस टाइम पर आप अपने फ़ोन को अपने जेब में रख लो, बिल्कुल भी उस टाइम पर मत खेलो। और इसके अलावा गैस आपको एक सेटिंग करना होगा अपने फ़ोन में, अगर आपने नहीं किया होगा तो उसे कर लो। उसके बाद देखो काफ़ी हद तक आपका रैम अच्छा रहेगा और आपका फोन पे कम से कम लैग देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको अपने सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन को पहले इनेबल कर लेना, और डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे क्लिक करना है और नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को सिलेक्ट कर लेना। और इससे होगा क्या कि अगर आप फ्री फायर जब खेल रहे होते हो तब आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन वर्क कर रहा होता है आपके प्रोसेसर पर लोड दे रहा होता है, तो वो नहीं ले पाएगा, प्रोसेसर पर बिल्कुल भी लोड नहीं दे पाएगा अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो। और इसके अलावा गाइस आपको अपने इन गेम में कैसा रखना है, क्या क्या करना है, ये आपको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। तो गाइस आपको अपने एक्सपेंशन पैक को बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना, इसको आप हमेशा डिलीट करके ही रखो। और इसके अलावा आपको ग्राफिक सेटिंग में हमेशा आपको स्मूथ ग्राफिक पे खेलना अगर आपको बहुत ज्यादा लैग देखने को मिल रहा है तो। और ये सब कुछ कर लेने के बाद भी अगर आपके फोन में लैग देखने को मिल रहा है तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो गरीना की गलती है कि वो लैग को बढ़ाए जा रहा है और बाकी आपका फोन का ही गलती है, तो मैं जरा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन गाइस ये सब ट्रिक को आप पहले फॉलो करो, इससे काफी लैग कम हो जाएगा। और तब भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं यार, आप थोड़ा देर वेट कर सकते हो, कुछ दिनों बाद अपने आप ही गरीना फिक्स कर देगा लैग को। और गाइस आपको अगर गेम खेलते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, मैं सभी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो यार, क्योंकि 10K जल्दी से जल्दी करना है, तो जल्दी से 10K करवा दो।